हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हरिकृष्ण मल्लिक हिस्ट्री क्लासेस। आज आम हिस्ट्री क्लास षोड़श महाजनपदर एट महाजनपद बा अष्टम महाजनपद विषय आम जानवा। लास्ट पीरियड में आम सतट महाजनपद देखी जाइए, जो मैंने देखी ना से जाओ भिडियो क्लिक करके देखी नि। आज आम आठ नंबर महाजनपद देखा छेदी महाजनपद। आउ जो मैंने भिडियो देखी ना, देख ये नोटिफिकेशन देखा जाोड़श महाजनपदर फर्स्ट आउ सेकेंड, ओके फर्स्ट और सेकंड जो दुईटा भिडियो आम बनईं प्रथम तीनटा महाजनपद तापर चारोटी महाजनपद, तो से जो दुईटा आगे नोटिफिकेशन ऊपर आसो लिंक रे नोटिफिकेशन बार रे क्लिक कर जाकि देखनी तुम से जो दुईटी महाजनपदर भिडियो। आज आम अष्टम महाजनपद पढ़ा छेदी। देख छेदी महाजनपदर राजधानी होती सुक्तिमती। कौन छेदी महाजनपद राजधानी सुक्तिमती। छेदी पूर्व आम पढ़ी देते अश्मक असाका। अश्मक राजधानी थी पोतली प्रतिष्ठान, पोतली प्रतिष्ठान। किंतु छेदी महाजनपदर राजधानी होगी कौन ना सुक्तिमती। देख जो छेदी महाजनपद ये अवस्थित बर्तमान कौटी, बर्तमान मध्यप्रदेश किसी अंचल बुंदेलखंड, ओके मध्यप्रदेश किसी अंचल बुंदेलखंड ये आखपाख एरिया छेदी महाजनपद से से छेदी महाजनपदर राजधानी सुक्तिमती। आउ ये जो छेदी महाजनपद यार जी राजा थे ना था शिशुपाल। कौन तक राजा ना था शिशुपाल। देख शिशुपाल ना तुम जान शिशुपाल जी थे जे भगवान श्रीकृष्ण आम श्रीकृष्ण जी श्रीकृष्ण जी थे से विवाह करते रुक्मणी को माता रुक्मणी को। तो माता रुक्मणी विवाह शिशुपाल सहित स्थिर करते किए रुक्मणी भाई रुक्मी। रुक्मणी भाई ना कौन था रुक्मी। तो से रुक्मी माँ रुक्मणी बहुत ठीक करते क्या सहित ना शिशुपाल सहित। तो शिशुपाल को परास्त कर श्रीकृष्ण कौन करते रुक्मणी को धरिकी चली आसते बहुत करके चली आसते। तो से शिशुपाल थी कौटिकार राजा छेदीर राजा। कौटिकार राजा वेरी गुड छेदीर राजा। आउ से छेदी तुम बौद्ध ग्रंथ आ जैन ग्रंथ कहे कि छेदी राजा थे शासक थे ऐर खारबल। किए थे ऐर खारबल। देख ऐर खारबल किए तुम जाच ओडार सी ऐर खारबल ओडार जितेबाला अश तुमको कहुई अशोकों जो शिलालेख गोटे ऐर खारबल लिखिं ऐर खारबल अशोकों जो कलिंग युद्ध विषय शिलालेख लिखिं ऐर खारबल शिलालेख से सी लिखिं। ओके तो जो ऐर खारबल कौटिकार राजा थे छेदीर छेदीर शासक थे। आउ किए थे शिशुपाल थे महाभारत समय शिशुपाल थे। आउ जैन धर्म बौद्ध धर्म ग्रंथ अनुसार षष्ठ शताब्दी किए थे ना शिशुपाल थे सरी षष्ठ शताब्दी थे किए ऐर खारबल। षष्ठ शताब्दी किए थे ऐर खारबल। महाभारत समय किए थे शासक शिशुपाल। ये थी छेदी राज्य। छेदी पर नवम महाजनपद। नवम महाजनपद हूँ भस्छ। देख गोटे गोटे बहरे लिखाई वंश कौन लिखाई गोटे गोटे बहरे लिखाई भस्छ बा लिखाई वंश बा लिखाई वश्च जमा कन्फ्यूज हेनी वश्च भश्च बा वंश जमा कन्फ्यूज हेनी। ये हूँ भश्च महाजनपद जमा कन्फ्यूज हबार ना। ये भश्च महाजनपद। आ भश्च महाजनपदर राजधानी हूँ कोसाम्बी। कौन ता राजधानी भश्च महाजनपद राजधानी हूँ कोसाम्बी। ओके भश्च महाजनपद राजधानी कोसाम्बी। ये जो भश्च महाजनपद था ये था गंगा नदी दक्षिण ता मैंने ऊपर देखिए गंगा नदी जाता क्यों नदी गंगा नदी। जदि क्वेश्चन पड़े गंगा नदी दक्षिण रे गंगा नदी दक्षिण रे क्यों महाजनपद अवस्थित गंगा नदी दक्षिण रे भश्च महाजनपद अवस्थित था। आ भश्च महाजनपद राजधानी कोसाम्बी। भश्च महाजनपद राजधानी कोसाम्बी। आ भश्च महाजनपद जे राजा थे उदयन। किए थे राजा उदयन थे राजा। मन रख भश्च महाजनपद राजा किए थे उदयन थे। भश्च महाजनपद राजा थे उदयन। क्लियर क्लियर भश्च महाजनपद राजा उदयन। भश्च महाजनपद राजधानी कोसाम्बी। भश्च महाजनपद अवस्थित गंगा नदी दक्षिण से। भश्च महाजनपद अवस्थित होगी गंगा नदी दक्षिण से। आ तार राजधानी हूँ कोसाम्बी। आ तार जे राजा थे शासक थे ना थी उदयन। तो भश्चपुर देखे छेदी 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 महाजनपद। जो छेदी महाजनपद राजधानी छेदी महाजनपद राजधानी हूँ सुक्तिमती। आउ छेदी महाजनपदर राजा किए थे शिशुपाल थे महाभारत समय रे। आउ जो ऐर खारबल थे ये षष्ठ शताब्दी रे। क्लियर ये सर नो हाँ कि ना। ये थी नवम महाजनपद। देन तापर दशम महाजनपद कोसल। इम्पोर्टाट महाजनपद मन रख दशम महाजनपद कोसल। दशम महाजनपद कोसल। देख जो कोसल महाजनपद थिला कोसल महाजनपद को सरजू नदी।
कि नदी सरजू मन रख कोशल महाजनपद को सरजू नदी कि नदी सरजू नदी कोशल महाजनपद को दुई भागरे विभक्त करथुला केते भागरे विभक्त करथुला दुई भागरे कोशल महाजनपद को केउ नदी सरजू नदी सरजू नदी कोशल महाजनपद को दुई भागरे विभक्त करथुला केयरफुल लक्ष्य करो ये थिला सरजू नदी कोशल महाजनपद को दुई भाग विभक्त करथुला गोटे ला उत्तर कोशल जोटा पांचाल साइड रे थिला आ गोटे थिला दक्षिण कोशल जोटा काशी साइड रे थिला काशी बा मल्ल साइड रे ए जो उत्तर कोशल थिला ताहार राजधानी थिला श्रावस्ती एबे तुम क्वेश्चन पढ़ उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती सॉरी श्रावस्ती ओके क्वेश्चन पढ़ उत्तर कोशल राजधानी उत्तर कोशल कोशल को केते भाग विभक्त कराइथिला कोशल को दुई भाग विभक्त कराइथिला कौ नदी ताकू दुई भाग विभक्त कराइथिला सरजू नदी तो प्रथम जो जो उत्तर कोशल जो ऊपर जो कोशल भाग थिला उत्तर कोशल राजधानी थिला श्रावस्ती उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती दक्षिण कोशल राजधानी थिला कुशावती देखो हमें को लिभे दबा को ठीक है हमें क्लियरली ताकू देखिबा ताकू लिभे दबा ओके ओके देखो मानचित्र सब रहा कहीं मानचित्र तुमको बुझापी साय कर मानचित्र को जमा लिखोनी कहीं तुम जानव जो ये कौन थी अवश्य टी जाम हो गला पूरा आगे बड़ करवा कि ह्वाइट बोर्ड तो आम छोट अच्छी तो बड़ केमी कर कोशल को केते विभक्त कराइथिला दुई भाग रे कौन कौन उत्तर कोशल गोटे दक्षिण कोशल उत्तर कोशल राजधानी थिला कौन श्रावस्ती दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती क्लियर उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती देखो उत्तर कोशल थिला उपर उत्तर यहाँ है कोशल राज्य यहाँ हूँ कोशल राज्य उत्तर कोशल थिला उपर दक्षिण कोशल थिला ता तले आ उत्तर कोशल राजधानी हूँ श्रावस्ती दक्षिण कोशल राजधानी हूँ कुशावती जो कोशल कौ वंश स्थापन कौ वंश राजा करुले शासन करुले इक्ष्वाकु वंश कौ वंश देख कोशल महाजनपद में क्यों वंश शासन करुले इक्ष्वाकु वंश कोशल महाजनपद में कौ वंश शासन करुले फटाफट इक्ष्वाकु वंश क्यों वंश शासन करुले इक्ष्वाकु वंश फटाफट मत कह के वंश शासन करुले इक्ष्वाकु वंश ये कोशल जे राजा थे कोशल महाजनपद जे राजा थे ना थिला महाकोशल कौन ना थिला महाकोशल मन रख कोशल जो राजा थे ना कौन थिला महाकोशल आ महाकोशल जड़े पुआ और जड़े झील थे महाकोशल पुआ थे प्रसन्नजीत महाकोशल पुह किए थे प्रसन्नजीत महाकोशल पुह थे प्रसन्नजीत आ महाकोशल झील किए थे ना कोशल देवी महाकोशल झील देख केयरफुली शुण महाकोशल पुह थे प्रसन्नजीत झील थे कोशल देवी ए जो महाकोशल झील कोशल देवी को विवाह करते कह सहित तो, ना बिंबिसारा सहित तो, देख बिंबिसारा थे मगधर राजा तुमको मुझे मगध विषय पढ़े जो मैंने मगध विषय देखी न से मगधर भिड़ अच्छी आम चैनल से मगधर भिड़ देखनी हो मगध पूरा मगध राज्य विषय पढ़ा जाए कौ समय किए राजा थे पूरा इन डिटेल पढ़ा जाए तो से मगधर जो राजा थे बिंबिसार हर्ज वंश राजा थे बिंबिसार तो से बिंबिसारों सहित महाकोशल कोशल महाराज थे महाकोशल झील कोशल देवी को बिंबिसारों सहित मगधर राजा बिंबिसारों सहित बहुत करते जो महाकोशल कोशल देवी को क्या सहित बहुत करते मगधर राजा बिंबिसार को देख बिंबिसारों पुह किए थे बिंबिसारों पुह थे अजात शत्रु जेहेतु बिंबिसार अजात शत्रु को अजात शत्रु चाहूल बाहर बहुत करने तो बिंबिसार कौन कहले ना अजात शत्रु को बहुत करून कहीं बिंबिसार निजे बहुत करके तो अजात शत्रु कौन करते बिंबिसारों को मारदे
ବା ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ ବନେଇକି ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯେହେତୁ ବିମ୍ବିସାରକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମହାକୋଶଳଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, ଇଏ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମହାକୋଶଳଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ତ ସେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ କ'ଣ କଲେ, ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ମୋତେ କୁହ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ କାହାର ଭାଇ? କୋଶଳଦେବୀଙ୍କର ଭାଇ। ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କୋଶଳଦେବୀଙ୍କର ଭାଇ। ତାହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ବାହା ହେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ। ପ୍ରସନ୍ନଜିତ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ। ତ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଳା, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ଶଳା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଣେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଦେଲେ, ତ ଇଏ ରାଗିଗଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ଭିଣେଇ ଥିଲେ ନା ବିମ୍ବିସାର, ତେଣୁ ଇଏ ରାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମଗଧର ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଶଳର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କାହା ସହିତ? ନା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ସହିତ। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। କିଏ ଘୋଷଣା କଲେ ଯୁଦ୍ଧ? ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ମହାକୋଶଳ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ କୋଶଳରେ? ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ପରେ କୋଶଳର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ପରେ ବିଧୁନାଭ। କିଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ପରେ? ବିଧୁନାଭ। ମନେ ରଖ, କୋଶଳର ରାଜା ଥିଲେ ମହାକୋଶଳ, ମହାକୋଶଳଙ୍କ ପରେ କୋଶଳ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମହାକୋଶଳ। ମହାକୋଶଳଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେଲେ? ବିଧୁନାଭ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା ନା। କୋଶଳକୁ କେଉଁ ନଦୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି? ସରଜୁ ନଦୀ। କେଉଁ ନଦୀ? ସରଜୁ ନଦୀ। କୋଶଳକୁ ସରଜୁ ନଦୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ସରଜୁ ନଦୀ କୋଶଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଆଉ ଉତ୍ତର କୋଶଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଉତ୍ତର କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜଧାନୀ କୁଶାବତୀ। କ୍ଲିୟର? ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେନ୍ କୋଶଳ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଜନପଦ ହେଉଛି, ଏଗାର ନମ୍ବର ମହାଜନପଦ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳ। ଏଗାର ନମ୍ବର ମହାଜନପଦ ପାଞ୍ଚାଳ। ଓକେ, କୋଶଳ ମହାଜନ ପରେ, କୋଶଳ ମହାଜନପଦ ପରେ ତା'ପର ମହାଜନପଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଞ୍ଚାଳ। ପାଞ୍ଚାଳ, ଓକେ। ତ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଳ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଦେଖ, କୁରୁର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ। ଦେଖ, ଏଇଟା କୁରୁ ରାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁରୁ ମହାଜନପଦ। କୁରୁର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ। ମୋତେ ଫଟାଫଟ ଟିକେ କୁହ, କୁରୁର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କୁରୁ ମହାଜନପଦ ରାଜଧାନୀ, କୁରୁ ମହାଜନପଦ ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। କୁରୁ ମହାଜନପଦ ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ହସ୍ତିନାପୁର ବି ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବି ଥିଲା, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦ, ତୁମକୁ କୁରୁ ପଢ଼ାବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, କୁରୁର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଞ୍ଚାଳ ସହିତ ଆଉ ଗାନ୍ଧାର ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା। କୁରୁର ମହାଜନପଦ, କୁରୁ ମହାଜନପଦର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା? ପାଞ୍ଚାଳ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚାଳର ଯିଏ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜକୁମାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ପାଞ୍ଚାଳୀ। ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ବା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ସିଏ କାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ସିଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସିଏ କାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚାଳୀ। ସେ ପାଞ୍ଚାଳୀ କେଉଁ ମହାଜନପଦର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦର କନ୍ୟା ଥିଲେ। କେଉଁ ମହାଜନପଦର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତ ସେ ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦର କନ୍ୟା ପାଞ୍ଚାଳୀ ଇଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ। ତ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କୁରୁ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କୁରୁ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା ନା, ମୋତେ କୁହ ଫଟାଫଟ କୁହ, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଳ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦ ଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ। ଦେଖ, ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ, ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା, ମୋତେ ଫଟାଫଟ କୁହ, ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖ, ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି ତାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଭାଗୀରଥୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଯେହେତୁ ଭାଗୀରଥୀ ନାମକ ଏକ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଇଥିଲେ, ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ଦିଆଗଲା ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ।
तो जेहेतु गंगा नदी ए पांचाल नामक स्थान रे जेहेतु गंगा नदी भागीरथी नामक ऋषि द्वारा सेठी स्थापना होते तेणु से जो गंगा नदी नाम दिगला भागीरथी नदी। देखो गंगार जदि उत्पत्ति तुम देख गंगा नदी उत्पत्ति देख विभिन्न स्थान में गंगा नदी नाम अलग अलग अच्छे गंगा गंगोत्री गंगा नदी तुम ना देख विभिन्न स्थान में स्थान वाइज गंगा नदी नाम चेंज हो तो मन रख जो भागीरथी नदी थी ये भागीरथी नदी पांचाल को केत परिवर्तित कर दुई भागे पांचाल को भागीरथी नदी केत परिवर्तित कर देख प्रथम आम पढ़ले जे सरजू नदी कोशल को दुई भाग विभक्त कला उत्तर कोशल आ दक्षिण कोशल से भाया भागीरथी नदी पांचाल को दुई भाग विभक्त कला भागीरथी नदी पांचाल के कला दुई भागे गोटे उत्तर पांचाल आ गोटे वेरी गुड दक्षिण पांचाल गोटे कि पांचाल उत्तर पांचाल आ गोटे दक्षिण पांचाल ये उत्तर पांचाल था उत्तर पांचाल मीन ओपरटा ओके हिमालय लाइन ओपर लाइन उत्तर पांचाल राजधानी थी अहिछत्र कौन थी जदि क्वेश्चन पड़े उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र दक्षिण पांचाल राजधानी थी कांपिल्य कौन थी कांपिल्य यस ऑर नो यस ऑर नो वेरी गुड तबे मते कह एबे मते कह जे पांचाल महाजनपद बा पांचाल महाजनपद को केऊ नदी दुई भाग विभक्त करथिला भागीरथी नदी केऊ नदी भागीरथी नदी पांचाल महाजनपद को भागीरथी नदी दुई भाग विभक्त करथिला गोटे उत्तर पांचाल आ गोटे दक्षिण पांचाल ए जो उत्तर पांचाल थिला उत्तर पांचाल राजधानी ना कोन थिला अहिछत्र उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र जो दक्षिण पांचाल थिला यार राजधानी कांपिल्य दक्षिण पांचाल राजधानी थिला कांपिल्य उत्तर पांचाल राजधानी थिला अहिछत्र केऊ नदी पांचाल को दुई भाग विभक्त करथिला भागीरथी नदी केऊ नदी भागीरथी नदी वेरी गुड वेरी गुड। ए जो हिस्ट्री अच्छी देखो एक जमा तुम नोट बनाओनी तुम कौन कर प्रोब्लेम जे बहुत बड़ा नोट हिस्ट्री बन दौ जहाद्वारा तुमको घोषा को प्रोब्लेम होमुक मो मानचित्र काटिकी देखा मानचित्र काटिनि सर्ट नोट बनाओ मानचित्र काटिकी सर्ट नोट बनाओ जमी तुमको नदी कटा जापर भाग तल भाग ओपर भाग राजधानी तल भाग राजधानी सर्ट नोट बनाओ जदि तुम एग्जा गोटे मानचित्र काटिकी तापर सब लिखिद तो तुम इन डिटेल कॉपी पेस्ट हो तो कौटी भी किए अच्छे तुमको भी अलरेडी देखा भारत मानचित्र कौटी कौ महाजनपद कौटी कौ जन महाजनपद इन डिटेल तुमको देखा जा तो तुम्हारे किसी प्रोब्लेम भी हेनी ओके तो आज आम कौन कौन पढ़ले ये भूल आम कौन कौन देखिले देखिले फर्स्ट छेदी महाजनपद कि महाजनपद देखिले छेदी महाजनपद तापर भस्च महाजनपद तापर कोशल महाजनपद तापर पांचाल महाजनपद चारोटी महाजनपद देखिले ये सर नो ये सर नो वेरी गुड वेरी गुड। तो से चारोटी महाजनपद को टी आम रिविजन करदे चारोटी महाजनपद आम कौन कौन देखिले आम ये चारोटी महाजनपद देखिले प्रथम देखिले छेदी प्रथम कौन देखिले छेदी महाजनपद तापर कौन देखिले छेदी पर देखिले भस्च महाजनपद कि महाजनपद भस्च बात को वंश वस्च बोली कह जाए वस्च पर कोशल महाजनपद कि महाजनपद कोशल महाजनपद तापर देखिले कोशल पर पांचाल महाजनपद कि महाजनपद पांचाल महाजन वेरी गुड। ये मत कह फटाफट छेदीर राजधानी सुक्तिमती छेदीर राजधानी सुक्तिमती वेरी गुड भस्चर राजधानी भस्चर राजधानी भस्चर राजधानी फटाफट फटाफट छेदीर राजधानी हूँ सुक्तिमती फटाफट कह छेदीर राजधानी सुक्तिमती भस्चर राजधानी कोसाम्बी भस्चर राजधानी कोसाम्बी वेरी गुड छेदीर राजधानी हूँ सुक्तिमती छेदीर सुक्तिमती वस्त्र राजधानी कोसाम्बी वस्त्र राजधानी कोसाम्बी कोशल राजधानी कोशल को दुई बार विभक्त करछि केउ नदी सरजू नदी कोशल को दुई बार के विभक्त करछि सरजू नदी कोशल को दुई बार के विभक्त करछि सरजू नदी कोशल को दुई बार विभक्त करछि उत्तर कोशल राजधानी उत्तर कोशल राजधानी फटाफट फटाफट उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती उत्तर कोशल श्रावस्ती उत्तर कोशल श्रावस्ती दक्षिण कोशल राजधानी फटाफट दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती आउ थे छेदी राजधानी छेदी महाजनपद राजधानी सुक्तिमती छेदी महाजनपद राजधानी सुक्तिमती भस्च महाजनपद राजधानी भस्च कोसाम्बी
कोशल महाजनपद राजधानी, कोशल महाजनपद को क्यों नदी द्विभाजित करती सरज नदी, क्यों नदी सरज नदी। कोशल महाजनपद उत्तर कोशल महाजनपद राजधानी, उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती, दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती, दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती। पांचाल, पांचाल को क्यों नदी द्विभाजित करती भागीरथी, भागीरथी अन्य नाम गंगा, भागीरथी नदी अन्य नाम गंगा। कोशल महाजनपद को सॉरी पांचाल महाजनपद को क्यों नदी द्विभाग विभक्त करी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी अन्य नाम गंगा। तो उत्तर पांचाल राजधानी, उत्तर पांचाल राजधानी फटाफट, उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र, उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र, उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र। दक्षिण पांचाल राजधानी, दक्षिण पांचाल राजधानी कांपिल्य, दक्षिण पांचाल राजधानी कांपिल्य। ये स्वर्ण, ये स्वर्ण, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट मत कह आम आज चारोटी महाजनपद पढ़ले, कतोटि महाजनपद पढ़ले चारोटी महाजनपद। प्रथम कौ महाजनपद पढ़ले छेदी, छेदी महाजनपदर राजधानी सुक्तिमती, भस्त महाजनपद राजधानी कोसाम्बी। कोशल महाजनपद को क्यों नदी द्विभाजित करती सरजू नदी, सरजू नदी। कोशल उत्तर कोशल राजधानी श्रावस्ती, दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती। तापर देखिले पांचाल, पांचाल को क्यों नदी द्विभाजित करती भागीरथी नदी, भागीरथी नदी अन्य नाम गंगा। उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र, दक्षिण पांचाल राजधानी कांपिल्य। ये स्वर्ण हाँ ना ना मत कह हाँ कि ना। देख आमे ऑलरेडी जेतिकी जेतिकी महाजनपद पढ़ले केवल पांचाल कोशल ए पर्यंत आम पाखापाखी एगारटी महाजनपद पढ़ले, एगारटी महाजनपद भितर दुईटी महाजनपद पांचाल आउ गोटे हूँ कोशल। ए दुईटी महाजनपद मन रख, दुईटी महाजनपद दुई भागे विभक्त होती। कोशल महाजनपद को सरजू नदी, पांचाल महाजनपद को भागीरथी नदी। कोशल महाजनपद को सरजू नदी, पांचाल महाजनपद को भागीरथी नदी। जो सरजू नदी कोशल महाजनपद को दुई भागे विभक्त करी, उत्तर कोशल राजधानी होची श्रावस्ती, दक्षिण कोशल राजधानी कुशावती। सरज भागीरथी नदी जो पांचाल को दुई भागे विभक्त करी, उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र, दक्षिण पांचाल राजधानी कांपिल्य। ये स्वर्ण हाँ ना ना, हाँ ना ना, किसी प्रोब्लेम नहीं। तुम क्लास आराम से करो, वीडियो रे तुमको जहाँ जहाँ पचरा कनेक्टिव कनेक्टिवली आक्टिवली तुम वीडियो आंसर दियो मो संग रही। तो हिस्ट्री तुमको खेल भी लगे, आम हिस्ट्री रो इन डिटेल सब देखा। जो मैंने कहते हिस्ट्री हुए नहीं, हिस्ट्री हुए नहीं, गोटी गोटी करके एक मारिका हिस्ट्री आम देखा, गोटी गोटी करके एक मारिका हिस्ट्री देखा, पूरा इन डिटेल बुक कम्प्लीट करवा। ओके तुम मो सहित जब भलसे आक्टिवली क्लास तुम करुव हिस्ट्री आम आराम से 90% रखा, ता भितर किसी कौन सी भी संदेह ता भितर ना। ओके आक्टिवली क्लास करो, जहाँ भी डाउट अच्छी ग्रुप रे पचार। ओके आ जो मैंने न्यूली फर्स्ट ईयर, जो मैंने जो मैंने सेकेंड ईयर, न्यूली सेकेंड ईयर, तुम्हें 2022 जो मैंने एग्जाम दबो से मैंने मोर जो 8114352196 नंबर रे मेसेज कर, 8114352196 नंबर रे मेसेज कर। तो तुम बायोडाटा सहित तुम गोटे तुम कॉलेज आई कार्ड, कॉलेज आई कार्ड रो फोटो आ तुम बायोडाटा नेम, तुम डिस्ट्रिक्ट, तुम सब्जेक्ट, तुम कॉलेज, एतिकी एतिकी तुम मेसेज कर। आम आउ गोटे नुआ ग्रुप खोलुँ, ता विषय आम इन डिटेल पूरा आरंभ रूम ता भितर आरंभ करवा। देख तुमको यही जो बेच तुम अच जो बेच को मुझे पढ़ेबा आरंभ कली, मात्र तुमको 3-4 मास पढ़ाई लॉकडाउन, लॉकडाउन में मुझे आरंभ कली। तो किंतु यही बेच तुम एवं जो नुआ आसव तुम मानक आम स्टार्टिंग आरंभ करवा, स्टार्टिंग आरंभ करवा, तो क्लीयर हो। तो जो मैंने आकचुअली जो मैंने प्रॉफिट पाच से मैंने वीडियो को शेयर कर, जो मैंने आकचुअली वीडियो को नीड कर पहुँचाओ। जय हिंद।